होशरुबा महंगाई के बाद अशिया जरूरिया की किल्लत, हुकूमती गुड गवर्नेंस के दावे शर्मा गए। आम मार्केटों में महंगी चीनी, आटे और घी के सताए शहरी, यूटिलिटी स्टोर से भी मायूस वापस। शहर के बेशतर सरकारी स्टोरों पर चीनी, आटा और सस्ता घी नायाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ख्वाब खरगोश में, हुकूमती नुमाइंदों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। आवाम नाजायज मुनाफाखोरों के हवाले, कंट्रोल और मॉनिटरिंग ना होने से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। मकामी मार्केटों में आलू और प्याज 90 रुपए, टमाटर 150 रुपए फी किलो तक फरोख होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 11 रोज में फी दर्जन कीमत 17 रुपए इजाफे से 159 रुपए की तारीखी बुलंदी पर। मुर्गी का गोश्त मजीद 13 रुपए महंगा होकर 233 रुपए किलो हो गया। पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों के कंट्रोल में नाकाम। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए विफाक से 7 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत मिल गई। 1800 रुपए मन के हिसाब से दरामद की जाने वाली गंदम मार्केट में सब्सिडी के बाद 1400 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख की जाएगी। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर। पीएफए ने सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% तक का इजाफा कर दिया। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस की फीस 8000, होलसेल कारोबार में मसावी कैटेगरी के लिए फीस 800 रुपए होगी। फूड कारोबार लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेलर्स और होलसेल डीलर्स के तहत जारी होगा। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां, मुल्की सियासी मंजरनामे पर बेचैनी के साए बढ़ने लगे। जाती उम्रा में मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात समेत हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इजलास में एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्ला, सेनेटर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शरीक हुए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बड़े जलसे की तैयारी। सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। समीउल्लाह खान, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर शामिल। मुंतजमिया कमेटी के सरबराह साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने दावा किया कि कोरोना के पीछे पना लेने की कोशिश हो रही है। हुकूमत अदालती हुक्म हासिल करने की कोशिश में है। लीगी रहनुमा का गुजरांवाला में पहले जलसे की कामयाबी का भी पेशगी दावा। ऑपोजिशन से कोरोना वबा फैलने के खदशात के सबब जलसा ना करने की अपील। वफाकी वजीर असद उमर का बड़े इज्तमाआत के लिए SOPs की तैयारी का इंदिया। कौमी राबता कमेटी में तजावीज जेरे गौर लाने का भी इंदिया। बोले ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करें, जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे। असद उमर ने पंजाब में उस्मान बुजदार के कले को मजबूत करार दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा, मुल्क में कोरोना फैलने का खतरा है, खबरदार कर रहा हूं, सब कान खोलकर सुन लें, अपनी कारकर्दगी सोचें वरना दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। बोले वजीर आजम ऑपोजिशन को NRO नहीं देंगे। उन्होंने कल भी जवाब दे दिया। मरियम औरंगजेब दोनों नाअहल हो चुके, मौलाना फजल रहमान के साथ इस बार हाथ नहीं हथौड़ा होगा। मजीद कहा, नवाज शरीफ सारे डॉक्टरों को बेवकूफ बनाकर लंदन चले गए। विफाकी वजीर का काबीना में नवाज शरीफ को बाहर भेजने के खिलाफ वोट देने की गलती का भी एतराफ। गैर कानूनी प्लॉट अलॉट केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाब अदालत के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया। नोटिस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइश का, जाती उम्रा के बाहर भी आवेजा, नोटिस लंदन भी इरसाल किया जाएगा। सलमान शहबाज जान बूझ कर रूपोश हैं। मुलजिम 13 अक्टूबर को अपने दिफा के लिए अदालत में पेश हों। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज। एहतसाब अदालत के हुक्म पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क सलमान शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार आवेजा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस का नया मोड़। CCPO ने एहतजाज में शामिल लीगी काकनों की गाड़ियां पकड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज ने लाहौर पुलिस को 40 गाड़ियों का डाटा फराहम कर दिया। कार्रवाई जल्द की जाएगी। पंजाब पुलिस में अहम तैनातियां। DIG सरफराज फल्की, CCO गुजरांवाला तैनात। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबलरी,
शारिक जमाल डीआईजी टेली कम्युनिकेशन, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पेट्रोलिंग, इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक और मुनीर मसूद मार्क डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा और फरोग सियाहत के लिए अहम इकदाम, शाही कला और मोहलिका इमारतों के तारीखी नकूश की बहाली के लिए फ्रांस के ताबुन से जल्द काम के आगाज का फैसला। 3 अरब 65 करोड़ की तखमीनी लागत के मंसूबे पर 3 अरब 60 करोड़ दोस्त मुल्क खर्च करेगा। हतमी मामलात पर इत्तेफाक के बाद वॉर्ड सिटी अथॉरिटी और फ्रांसीसी वफ्द में एमओयू साइन होगा। सस्ते मकानों की तैयारी के लिए अहम पेशरफ, निजी शोबे को भी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत काम करने की इजाजत। निजी शोबा सस्ते मकानों पर मुश्तमिल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से एलडीए को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ज्वाइंट वेंचर की इजाजत मिल गई। तालीम और सेहत के शोबे में माली बहरान, नए और जारी मंसूबों के लिए फंड्स कम पड़ गए। पीएनडी बोर्ड को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की 5 और स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन ने 12 अरब रुपए की मजीद डिमांड कर दी। ऐवान वजीर आला से दोनों महकमों के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी तलब। तरक्याती कामों का मुआयना और मंसूबों पर जारी काम की रफ्तार का जायजा अब ड्रोन के हवाले। पंजाब हुकूमत का अर्बन यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 1 करोड़ के ड्रोन की खरीदारी का फैसला। कौमी खजाने से खरीदा जाने वाला ड्रोन सैटेलाइट तस्वीर और डेटा हासिल कर सकेगी। हुकूमती आदम दिलचस्पी और सफाई कंपनी की गैर जिम्मेदारी से शहर के वस्त में कचरे के ढेर। एलडब्ल्यूएमसी ने अरफा करीम टावर 2 की तामीराती साइट्स पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मंसूबे की आराजी डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल करने से इलाके में तापमान, गुजरने वालों और मकीनों के लिए सांस लेना तक दुश्वार।